जॉब देने वाली संस्था श्री बालाजी कंप्यूटर क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना आज का सेशन भी बहुत खास है और आज की जो जॉब जानकारी है आपके सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल के लिंक के माध्यम से आप तक पहुंच चुका है। तो आज कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के संबंध में आप जानना चाहते हैं तो अपनी वीडियो आप तक पहुँच चुकी है। कोर्ट कचहरी के लिए वैकेंसी हो, सिलेक्टेड शॉप के लिए वैकेंसी है, तो जिसको भी करना है जाना है वो आपका यूट्यूब चैनल चेक करिए, श्री बालाजी जीरो 680 सर्च करिए, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी जॉब की। और इंटरव्यू का समय रहेगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। आज के हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं तो इंस्टाग्राम पर भी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दी जाएगी, थोड़ी सी एडिटिंग के बाद। तो करें स्टार्ट। चलिए, तो आज की जो क्लासेस है हमारी वो जमीन संबंधित कार्यों के लिए, जमीन का खरीदना बेचना ये इस चीज़ को लेकर है। लेकिन जमीन किसके नाम पर है पहले ये पता होना चाहिए, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी। कई बार क्या होता है कि खरीदने वाला, जैसे मेरे सामने ये यही जो अपनी बिल्डिंग है इसको मैं कहती हूँ मैं इस बिल्डिंग को बेच रहा हूँ, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा जमीन मेरी है या नहीं? इसको तो भाई बेच तो कर सकता हूँ जब तक मुझे पता चलेगा कि बिल्डिंग का मालिक मैं हूँ कि नहीं। या फिर आप जिस घर में रह रहे हैं, आपका अपना स्वयं घर, जमीन या खेत, अगर उस पर मुझे कोई भी लोन लेना है, उसको बेचना है, उसको पता करना है, यह कोई व्यक्ति आएगा, जैसे मैं, जैसे अपना घर, अपने घर में कोई भी किरायेदार रहता है, अगर वो अपने घर को बेचना चाहे, अगर अपन भी किसी घर में रह रहे हैं तो अपन किसी घर ऐसे बेच देंगे क्या, है ना? जब तक कि आप उसका नाम है, किसके नाम पर जमीन है, जब तक बेचने वाले के नाम पर पता नहीं चलेगा जमीन इसके नाम पर ही है, जमीन का मालिक यही है, तब तक हम उस जमीन को ना तो खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं, है ना? उसका रिकॉर्ड या तो नगर पालिका में मिलेगा, सिटी वाले जो लोग शहर वाले उनका जो रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा? नगर पालिका। और जो गाँव में रह रहे हैं उन लोगों का कहाँ मिलेगा? पंचायत, है ना? और अगर अपने को इन दोनों जगहों पर भी नहीं मिल पा रहा है, इससे पुराना और भी पुराने से पुराना चाहिए, तो ये हमारा मिलेगा कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट क्या होता है? हर एक जिले में कलेक्ट्रेट होता है। जैसे हमारा जो राजगढ़ जिला है ना, उसका कलेक्ट्रेट ऑफिस कहाँ पर है? राजगढ़ में होगी, है ना? राजगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट में अपना वहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जहाँ पर कलेक्टर जहाँ पर बैठता है उसे बोलते हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस। अब आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते होंगे, अब जाति प्रमाण पत्र बनवाते समय आपसे बोला जाता होगा भाई 1984 का रिकॉर्ड लेकर आइए, बोला जाता है। ओबीसी वाले को बोला जाता है 1984 का रिकॉर्ड लेकर आओ, और जो एससी या एसटी वाले हैं शायद उनसे बोला जाता है वो आप 1950 का आप रिकॉर्ड लेकर आइए, है ना? तो आप उसके संबंध में अपने घर के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? अगर आपसे बोला जाता है कि 1984 का रिकॉर्ड लेकर आओ, तो 1984 रिकॉर्ड मतलब आपने, मैंने बोला था ना जब जाति प्रमाण पत्र जब आपको पढ़ाया था तो उस दौरान आपसे बोला था कि उसमें जो पटवारी है वो आपको पैतृक बनाता है, दादाजी के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा के बाद कितने बेटे हैं वो सब उसमें लिख कर देता है। तो अपनी जो भूमि 1984 में तो वो अपने नाम पर तो नहीं होगी ना, अपने पिताजी के नाम पर होगी, इसके नाम पर होगी दादाजी के या दादी के नाम, ऐसा ही होता है ना, या तो उनके पिताजी या उनके पिताजी के नाम होगी ना। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मेरी जो जमीन है, मेरा जो मकान है वो मेरे दादाजी के नाम पर है। तो अपन लोग आज ये सीखेंगे, बस अपने को थोड़ी सी हिंट मिल जाए कि अपनी जमीन किसके नाम पर है, है ना? अपन नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के नाम पर जमीन है कि नहीं। अपन जब किसी व्यक्ति से खरीदेंगे जमीन तो अपने को उसकी थोड़ी सी जानकारी भरने के बाद अगर वो कहता है कि मेरे नाम से जमीन उपलब्ध है यहाँ पर, तो उस जमीन की जानकारी पर निकाल सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के नाम पर जमीन आ रही है तो वो मालिका नाम उसका है जमीन का, अपन चाहें तो उससे जमीन खरीद सकते हैं या अपन बेच सकते हैं, है ना? करें शुरुआत इसकी अपन, देखना। अब एक चीज समझ लो क्या होता है, खसरा खतौनी
ये जीओ से सीख समझ लो, फिर इसके बाद अपनी क्लास शुरू करेंगे। ठीक है भैया लोग, खसरा माने ये होता है हर राज्य में हर एक भूमि, हर राज्य में हर एक जो भूमि है उनमें सब में खसरा नंबर मिलता है। तो ये मतलब खसरा नंबर का मतलब ये है कि इतनी इतनी बाउंड्री में इतने इतने नंबर पर ये भूमि उपलब्ध है, तो उसको बोलते क्या बोलते हैं, खसरा नंबर। और खसरा नंबर केवल खेती वाली जमीन का ही होता है। किसका होता है? खेती वाली जमीन का, कोई कितने बड़े एरिया में हो। और हर एक खेत का अलग अलग खसरा नंबर होता है, होता है ना, है ना। और इसमें एक और शब्द खतौनी, तो खतौनी का मतलब ये होता है कि जिस जमीन का खसरा नंबर है उस व्यक्ति का खतौनी में उस व्यक्ति का मालिकाना हक किसका है ना। खसरा मतलब जमीन का नंबर, खतौनी मतलब उसका मालिक। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसमें खतौनी में ये लिखा रहता है कि मालिक कौन है, इसमें जमीन का बंधक तो नहीं करवाया, कितना ऋण लिया हुआ है, वो सब जानकारी आपको कहाँ मिल जाएगी, खतौनी, है ना। तो मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, मैं कोई पटवारी नहीं हूँ कि जिसमें आपको जमीन का मैं बता दूँ कितना कितना कर्ज है, कितना क्या है, वो सब आपको दे रहा हूँ। वो आपको समझ में कौन समझाएगा, पटवारी का। मैं सिर्फ जानकारी देखना बता दूंगा, तब खसरा कैसे देखोगे और खतौनी कैसे देखोगे, है ना। आ रही बात समझ में? और कितनी जमीन आपके नाम पर है, कितनी जमीन नहीं, तो सिर्फ मैं जानकारी बता दूंगा। आपकी जमीन इस जिले में कितने बीघा जमीन है मुझे एक्यूरेट भी नहीं पता, क्योंकि मैं पटवारी नहीं, मुझे ज्यादा इसका नॉलेज भी नहीं है। आ रही बात समझ में? इसके बाद में अगला जो जानकारी आपसे मैं बात करूं, अगली बात करेगा प्लॉट। एक क्या होता है खसरा, खतौनी, और एक क्या होता है प्लॉट। तो खसरा का नंबर, खसरा की जानकारी आपको दे दी मैंने, है ना। खतौनी की जानकारी दे दी मैंने, समझ गया अच्छे से खसरा और खतौनी क्या होता है। एक होता है प्लाट, खसरा तो खेत से संबंध होता है, खतौनी उसके मालिक से संबंध होती है, और प्लाट रहने की जगह, है ना। अगर मेरे पास 2-3 बीघा का जमीन पड़ी है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, खसरा, क्या बोलूंगा, खसरा, है ना। और मेरे पास थोड़ी जमीन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी जगह जो रहने के लिए पर्याप्त है, है ना, 15 फीट 20 फीट 40 फीट 50 फीट 100 फीट, इसमें इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लाट। और बीघा की वाली बात होती है 1-2-3-4 बीघा, तो किस में चलेगी, खसरा में। खसरा मतलब खेत, है ना। और उसमें जो भी नंबरिंग चलती है उसे क्या बोलते हैं अपन, क्या क्या समझे अपन, खसरा समझ गए, खतौनी समझ गए, समझ गए ना। और एक क्या होता है, समझ गए मेरी बात, तीनों बात समझ में आ गई। चलिए अपन अब अपनी अगली बात रखते हैं। अगली बात आपकी क्या है, तो डालो हेडिंग अपने अपने कॉपियों में, जमीन के मालिक का कैसे पता लगाएं, जमीन के मालिक का कैसा कैसे पता लगाएं, है ना। हम लोग जमीन के मालिक का पता लगाना चाहते हैं, है ना, कौन मालिक है, तो इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट, है ना, क्या लिखे, वेबसाइट। तो वेबसाइट को बोलते हैं अपन एमपी बुलेट, क्या बोलते हैं अपन, एमपी बुलेट। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख लो, आप चाहो तो हिंदी में लिख लो, एमपी को अपन एमपी बोलेंगे और बुलेट को BHULEH बुलेट, है ना। अब एमपी बुलेट क्यों बोला मैंने, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। अपन मध्य प्रदेश के अलावा और भी भूमि निकालना चाहते भाई, और भी जगह जमीन है, है ना। तो एमपी मतलब जब मुझे यूपी का निकालना हो तो यूपी बुलेट, महाराष्ट्र का निकालना हो तो महाराष्ट्र बुलेट, दिल्ली का निकालना हो तो दिल्ली बुलेट। 29 राज्यों के अलग अलग बुलेट वेबसाइट उपलब्ध है, तो आपको जिस जगह की निकालनी हो आप उस जगह की आप निकाल सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में, आ रही ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग लिख लें ओपन द क्रोम, है ना। फिर क्या लिख ले, सर्च, क्या सर्च करेंगे हम, एमपी बुलेट, ये हमें सर्च करना है ना, क्या सर्च करना है, एमपी बुलेट हमें सर्च करना है, है ना। फिर क्लिक फर्स्ट वेबसाइट, क्या लिखा आपने, अपने अपने को अभी मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूं, है ना, क्लिक फर्स्ट वेबसाइट। आ रही बात समझ में हमें। फिर
भू अभिलेख पर क्लिक करना है। किस पर? आप लोग लिख पा रहे हैं कि क्या क्लिक करना है? सबसे पहले ओपन द क्रोम, क्रोम को ओपन करना है ना, फिर क्लिक फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आपको भू अभिलेख पर क्लिक करना है। वहां पर आपको आपकी बेसिक जानकारी भरना है। वो क्या जानकारी भरना है? वो अपन कंप्यूटर सबसे पहले हमें हमारा ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हमने अभी जस्ट लिखा है एम पी भूलेख, हमें सर्च करना है। तो एम पी भूलेख हम जल्दी से सर्च कर लेते हैं। ये एम पी भूलेख हमने जैसे सर्च किया, हमारे सर्च में आ गया है और हमें इसको क्लिक करना है। मध्य प्रदेश पर हमें क्लिक करना है, पहली वेबसाइट पर जैसे हम हमेशा क्लिक करते हैं। अब पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, भू अभिलेख पर जाकर क्लिक करना है। और इसमें हमारे सामने यस और नो का ऑप्शन आया। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर कोई आईडी नहीं है, कोई भी आईडी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। और अगर हमारे पास कोई आईडी है, जैसे आरसीएमएस पोर्टल की इसमें गवर्नमेंट आईडी मिलती है, जो सिर्फ पटवारियों के पास होती है या फिर कलेक्ट्रेट के पास होती है, या फिर जमीन से जुड़े जो जो अधिकारी हैं सबके पास अपनी अपनी पर्सनल आईडी दी गई होती है उन्हें, तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम यस पे क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने कुछ बेसिक जानकारी आ गई है, तो हम लोग अपने हिसाब से भर लेते हैं। पहले वाले में क्या मांगा जा रहा है हमसे? अगर हमारे पास कोई भूभाग की पहले से कोई आईडी है हमारे पास, तो हम क्लिक करेंगे, और नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम क्लिक नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अगले वाले पर क्या लिखा है? यूए नंबर। ये हमारे पास कुछ भी है क्या? ये भी नहीं है हमारे पास। अगला कुछ है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास जो जानकारी हम लोग वो भरते थे लेकिन ध्यान रहे हमारे पास जो स्टार वाला है वो तो भरना कंपलसरी है, उसके बिना हम लोग नहीं भर सकते। आ रही बात समझ में? तो जिले हमारा जो भी जिला, तो जिला हमारा राजगढ़ है, तो हम लोग राजगढ़ ढूंढते हैं। राजगढ़ पे क्लिक करा हमने। अब हमारा पास तहसील पूछ रहा, तो तहसील हमारी ब्यावरा है, तो हम लोग ब्यावरा पे ढूंढेंगे। लेकिन ध्यान रहे है ना, अभी छोड़ो, आगे देखते हैं अपन गांव। अब गांव में हमारा जो भी गांव लगता है तहसील ब्यावरा में, वो गांव आपको लिखना है। और अगर हम करंट ब्यावरा की जानकारी देखना चाहते हैं, ब्यावरा वाले ब्यावरा की जानकारी देखना चाहते हैं, तो उनकी जानकारी खास ब्यावरा में मिलेगी। इसमें दो ब्यावरा है, ब्यावरा में, ब्यावरा के अलावा जितने भी गाँव है, जितने भी ए टू जेड सबके सब गाँव का नाम मिल जाएंगे। लेकिन हमें करंट ब्यावरा की जानकारी देखना है। किसकी? करंट ब्यावरा की जानकारी हमें देखना है, तो हमें किस पर क्लिक करना पड़ेगा? खास ब्यावरा, खास ब्यावरा हमें सर्च करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें हमारे हिसाब से कोई भी व्यक्ति का नाम देख लेते हैं। आ से लेकर ग्या तक, अनाराम में आ से लेकर ग्या तक, इसमें जितने व्यक्ति नाम आ सकते हैं सभी का विवरण इसमें दिया हुआ है। लेकिन आपको अपने घर पर पूछना पड़ेगा कि अपनी जमीन किसके नाम पर है। अगर पिताजी का नाम पर है, तो पिताजी का नाम जैसे मोहन है, तो मोहन वाले पर हमें माँ वाले पर जाना पड़ेगा, माँ वाले पर भी मोहन पर जाना पड़ेगा, मोहन पर जाना पड़ेगा, मोहन। इसमें जितने भी मोहन है पूरे राजगढ़ तहसील में, सब तरह के मोहन निकलेगा। मोहन के बाद पिताजी का नाम देखना है कि पिताजी का नाम क्या है। हो सकता है 5-10 मोहन निकले, 50 मोहन निकले, लेकिन पिताजी का नाम देखना है। पिताजी का नाम भी सेम निकल सकता है, तो उसमें हमें देखना है कि मोहल्ला कौन सा है ना। तो नाम और पिताजी के नाम से उसका विवरण अपन देख सकते हैं। तो इसमें हम कोई से भी देख लें, कोई व्यक्ति का नाम देख लें। यहाँ पर आपको अपना जानकारी देखना, तो अपने वाले पर जब क्लिक करेंगे हम लोग, किसी पर भी जाकर क्लिक कर देते हैं। हम इसी पर क्लिक कर दिया, हमारे सामने दिया हुआ है, तो हम जो भी नाम आ रहा है वो गांव का नाम से यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर किसी का देख नहीं रहे हैं, तो आपको अपना देखना है, तो अपना गांव सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो भी गांव हाथ में आ रहा है हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब हम लोग भूस्वामी देखना चाहते हैं, भूस्वामी मतलब भूमि का मालिक। और हम लोग देखना चाहते हैं खसरा संख्या, खसरा का नंबर मैंने बताई थी, खसरा मतलब जमीन का, जमीन संख्या के हिसाब से देखना चाहते हैं। या फिर हमें क्या दिया है? प्लॉट संख्या, प्लॉट मतलब खाली भूमि। आ रही बात समझ में? तो हम लोग भूस्वामी के नाम से देखना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे और हमें ये भूस्वामी के नाम आ जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अगर हमारे पास खसरा संख्या है, तो खसरा संख्या पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट खसरा संख्या डालो और अपना प्लॉट एक बार में निकल जाएगा। हमारे पास खसरा संख्या है, तो अगर हमारे पास प्लॉट संख्या, तो प्लॉट संख्या के नाम से हम देख सकते हैं, पर हमारे पास दोनों ही नहीं है, भूस्वामी का नाम देखना पड़ेगा। तो भूस्वामी हमारे पास जो भी दिख रहा है हम उस पर क्लिक कर देंगे। देखो पहले वाले पर नाम दिया, फिर दूसरे पिताजी का नाम दिया है क्या? बस कुछ नहीं करना, कैप्चर कोड हमें भर देना है। कैप्चर कोड हमारे सामने जो भी आ रहा है, सॉरी प्लाट संख्या हमारे सामने जो भी है, प्लाट संख्या हम उसमें लिख देते हैं। तो कोई भी प्लाट संख्या हमारे सामने आ रही है, उस पर हम क्लिक कर दीजिए।
अगर उस पर स्टार लगा हो तो स्टार वाले नंबर को, स्टार वाले कॉलम को मैं भरना कंपलसरी है ही सही, आपको ये बात मैंने पहले ही बता दी। अब हमारे सामने इसमें जिस स्टार हमने वो सब भर दिए, बिना स्टार वालों को आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद हम क्या करें, कैप्चर कोड इसमें भर लेंगे, कैप्चर कोड हमारा जो भी है वो भर लेते हैं। और आप इसमें क्या करें, सर्च पे क्लिक करें। आप नीचे हम क्लिक करेंगे, नीचे हम जाएंगे, ये हमारा टोटल विवरण आ चुका है। अब ये इतने व्यक्ति, इतने खतरा नंबर या इतने नाम से अवेलेबल है, तो हमें जिसका भी देखना, तो हमें ये कॉर्नर में दिख रहा है इनका नक्शा वगैरह देखने का, दिख रहा है खसरा देखे या नक्शा देखे कॉर्नर में दिख रहा है। अगर हमें भूमि देखना है इनके तो खसरा पे क्लिक करेंगे, और हमें इनका नक्शा देखना है तो नक्शे पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम खसरे पे क्लिक करें, खसरे पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इनकी टोटल जानकारी मेरे सामने आ गई है कि इनके कितनी भूमि है, क्या कहाँ भूमि है, टोटल जानकारी हमारे सामने आ गई है। तो हम लोग इनकी जानकारी अपन देख सकते हैं, टोटल जमीनें भी, गांव भी आ गए, जमीन भी आ गई। अब इसके टोटल विवरण जानकारी आपको पटवारी देगा, पटवारी आपको समझाएगा कि भाई इसमें इतनी भूमि इनके नाम पर है, इतना कर्जा है, इतनी जमीन है, इतना लैंड है, इनने इतना उधार लिया, इतनी जगह बाउंड्री है, वो सब मेरे को नहीं पता। आपको बस जानकारी देखना बता दी। इसमें हम लोग बस इतना देख सकते हैं कि जमीन किसके नाम पर है, कौन से तहसील में और कौन से गांव पर उपलब्ध है। आ रही मेरी बात समझ में? अगर हमें हिंदी में देखना है हिंदी में क्लिक करेंगे, और हमें इंग्लिश में देखना है तो हमें इंग्लिश में जाने के लिए हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। दिख रहा है आपको इंग्लिश पे, हम इस पर क्लिक कर देंगे। आ रही मेरी बात जानकारी समझ में? कोई समस्या? देख लोगे अपने अपनी भूमि, और सिटी वाले किस पर देखेंगे जाकर, खास ब्यावरा, किस पर देखेंगे, खास ब्यावरा। जमीन को खरीदना हो या जमीन को बेचना, तो आप सबसे पहले इस पर जाकर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आप नया काम चालू करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? अगर इसमें जानकारी उसकी उपलब्ध है, आ रही है, तो ही आप उसको जमीन खरीदोगे, और नहीं तो आप नहीं खरीदोगे। अगर आप खेत खरीद रहे हैं तो उसे खतौनी जाकर जरूर चेक। भूमि का नक्शा हम लोग देखने वाले थे, नक्शे पर देख लेते हैं। ये ऊपर खतौनी का ऑप्शन आ गया था, ये ऊपर रहा खतौनी, नक्शा डाउनलोड हो गया, और ऊपर एक खतौनी का ऑप्शन आ रहा है खतौनी का। इस खतौनी पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारी खतौनी भी निकल के आ जाएगा। खतौनी में कितना कर्जा है, क्या क्या इन्होंने लिया हुआ है, कितने में बंधक कराई है, अगर इन्होंने कहीं जमीन गिरवी रख के कर्जा भी लिया है, पट्टी पे कर्जा भी लिया हुआ है, तो इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत? समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो मैं YouTube पर बहुत जल्दी डाल दूंगा, तो आप लोग जल्दी से जाकर देखना है पूरी वीडियो को, अच्छे से पूरी जानकारी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना।